ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ଅସମ୍ଭାଳ ତେଲ ଦର। ହେଲେ ତେଲ ଦର ବଢ଼ିବା ପଛର ଅସର ଖଳନାୟକ କିଏ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? जब ये पेट्रोलियम का प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ सर, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला कि अभी इसको टालो, अभी इसको टालो, अभी इसको टालो, क्योंकि उनको पता था कि एक दिन कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, फिर हमको आना नहीं है, तो जो आने वाले लोग हैं उनको हम ऐसी परिस्थिति में धकेल कर जाएं जहां से कि उनकी वापसी का कोई रास्ता जो है नहीं दिखाई दे, क्योंकि वो अनपॉपुलर हो जाएंगे। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରମଞ୍ଜନା ଲାଗି ଦେଶ ଆଜି ଉତ୍କଟ ତୈଳ ଦର ସମସ୍ୟାର ସନ୍ତୁଳି ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଅଙ୍କରୁ ତିନି ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଛୁଇଁଲାଣି ତେଲର ଦାମ। ଏପଟେ ଅଏଲ ବଣ୍ଡ ସକାଶେ ଶୁଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଗଣୁ ଗଣୁ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ। ଲଗଭଗ ଲଗଭଗ 1,44,000 କରୋଡ କା 1,44,000 କରୋଡ କା ଅଏଲ ବଣ୍ଡ ଜାରି କିଆ ସାର, ଔର ଜିସକା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ ଥା 6.35 से लेके 8.4% तक सर। इसी सोच के सारे इकोनॉमिस्ट ने, सारे यूपीए के लोगों ने ये 1,44,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड जारी कर दिया सर। और आप समझें कि इस परिस्थिति में जब ये लौटाने की बात है, जब 2014 से है, क्योंकि कमिटमेंट है सर, भारत सरकार का कमिटमेंट है, देना है, 3 सॉवरेन गारंटी है, 3,22,000 करोड़, 1,44,000 करोड़ रुपया हमने लिया और 3,22,000 करोड़ रुपया हमको लौटाना है सर। दुहजार चौदह यूपीए सरकार 1,44,000 कोटी टंकार ऋण करथिबा बेले आज दिन रे एहर सुध ढेर बढ़िलाणी, एणिके सरकार 3,22,000 कोटी टंकार सुध भरणा करिवे। अपने बिना किसी सोच के सारे इकोनॉमिस्ट ने, सारे यूपीए के लोगों ने ये 1,44,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड जारी कर दिया सर। और आप समझें कि इस परिस्थिति में जब ये लौटाने की बात है, जब 2014 से है, क्योंकि कमिटमेंट है सर, भारत सरकार का कमिटमेंट है, देना है, 3 सॉवरेन गारंटी है, 3,22,000 करोड़, 1,44,000 करोड़ रुपया हमने लिया और 3,22,000 करोड़ रुपया हमको लौटाना है सर। लगातार चर्चा हो गई, अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है, होते रहता है सर। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम लोग भी इधर से चिल्लाते थे कि टाटा की सरकार है, बिरला की सरकार है, जो बिजनेसमैन उस समय आगे बढ़ते हैं निश्चित तौर पर। मैंने सारे डिबेट डिस्कशन 1952 से सुने हैं सर, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो ऑयल बॉन्ड है सर, ये ऑयल बॉन्ड जो आप 1,44,000 करोड़ का 3,22,000 करोड़ रुपया दीजिएगा, ये किसको दीजिएगा? कभी आपने देखा है? सारे बड़े बिजनेसमैन जो हैं, जिनकी भी नेटवर्थ 5,000 करोड़ से ज्यादा है सर, उन सबों ने इसमें ऑयल बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है। तैल दर वृद्धि प्रसंग रे विरोधी मोदी को नेतृत्वाधीन बीजेपी सरकार पछरे लागिछन्ती, किंतु समस्त भूली जाउछन्ती ए खेलर असल खळनायक हेउछि कांग्रेस। कांग्रेस करितिबा पापर भरणा करुछि बीजेपी। निज निर्वाचनी फायदा को दृष्टि रे रखी तेल दर को नियंत्रण करथला यूपीए नेतृत्वाधीन सरकार, आउ हारि जिबा परे से अडुआ सुतार खियो खोजुछि बीजेपी, जार खुलासा करिछन्ती झारखण्डर बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे। पार्लियामेंट रे ऑयल बॉन्ड कथा उठाई कांग्रेस रो सती पणियार असल चेहरा जनता को सामना को आनिछन्ती। 2014 मसीह भारत सरकार जो ऑयल बॉन्ड स्वाक्षर करते बॉन्डर भरणा लगी आज सरकार तैल दर वृद्धि करने को बाध्य होती से स्पष्ट कर। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।